أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Dear friends, आज ये दुआ ज़रूर मांगें और हर मुसलमान को इन दिनों में अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए और अल्लाह ताला से बहुत खूबसूरत सी दुआएं मांगनी चाहिए। ये दुआ बहुत प्यारी है, इससे सुकून से पढ़ें और दिल में आमीन कहें, इससे दूसरों तक पहुंचाएं। हो सकता है कि दूसरे लोगों की आमीन से अपनी दुआ कभी कबूल हो जाए। आमीन सुम आमीन। ए रब्बुल इज्जत, ए सारी कायनात के शहंशाह, ए सारी मखलूक के पालने वाले, ए जिंदगी मौत का फैसले करने वाले, ए आसमानों और जमीनों के मालिक, ए पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ए इंसानों और जिन्नातों के महबूब, ए अर्श आजम के मालिक, ए फरिश्तों के महबूब, ए इज्जत और जिल्लत के मालिक, ए बीमारों को शफा देने वाले, ए बादशाहों के बादशाह, ए अल्लाह हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, हम पे रहम अता फरमा। ए मेरे अल्लाह हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, हम पे रहम अता फरमा। ए अल्लाह हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, हम पे रहम अता फरमा। ए मेरे अल्लाह तेरे खताकार बंदे हैं, ए मेरे अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ए मेरे अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों खताओं और नाफरमानियों की माफ़ी मांगते हैं। ए मेरे रब्बुल इज़्ज़त हम तेरे बंदे हैं, तुझसे मांगते हैं। ए मेरे प्यारे अल्लाह हमें माफ़ी अता फरमा। ए मेरे प्यारे अल्लाह हमको माफ़ी अता फरमा। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम अपने गुनाहों से तोबा करते हैं, ए अल्लाह वो तोबा कबूल फरमा। ए अल्लाह हम गुनहगार हैं, स्याकार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकाम के नाफरमान हैं, ना शुक्रे हैं, लेकिन मेरे महबूब तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं। मेरे अल्लाह तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। ए मेरे अल्लाह हम पे रहम अता फरमा। ए मेरे मालिक हम गुनहगार हैं, ऐबदार हैं, मगर तुम्हारे बंदे हैं, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है। ए मेरे अल्लाह तेरे सिवा कोई तारीफ के लायक नहीं है। हमारे महबूद हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं, तू अपनी रहमत से हमारे गुनाह माफ कर दे। ए अल्लाह पाक हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिराते मुस्तकीम के रास्ते पे चलने वाला बना दे। ए मेरे अल्लाह हमें गुनाहों के रास्ते से दूर फरमा। ए मेरे अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम के रास्ते पे चलने वाला इंसान बना दे। ए अल्लाह ए मेरे अल्लाह ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा जिस नमाज से तू राजी हो जाए। ए मेरे अल्लाह तू राजी हो जाए। जिंदगी में ऐसे नेक अमाल करने की तौफीक अता कर जिन अमालों से तू राजी हो जाए। हमें ऐसी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता कर जिस जिंदगी से तू राजी हो जाए। ईमान पे जिंदा रख और ईमान पे ही मौत अता फरमा। ए मेरे परवरदिगार हम तुम्हारे गुनहगार बंदे हैं, इन गुनाहों को माफ अता फरमा। ए मेरे अल्लाह माफ अता फरमा। और तेरे प्यारे हबीब जनाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक और पाकीज़ा आदाब को अपनाने वाला बना दे। ए अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ए अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामला अता फरमा। ए मेरे अल्लाह जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं उनका कर्ज जल्द अता करवा दे। ए मेरे अल्लाह
ए मेरे प्यारे अल्लाह बीमारों को शफा अता फरमा। ए मेरे प्यारे अल्लाह बीमारों को शफा अता फरमा। ए रब्बुल इज्जत शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ए मेरे प्यारे अल्लाह इस्लाम के दुश्मनों को हिदायत अता फरमा। ए मेरे अल्लाह हलाले रिज़्क कमाने की तौफीक अता फरमा। ए मेरे परवरदिगारे आलम हमें तुझसे मांगना नहीं आता लेकिन तुझे देना आता है, तू हर चीज पे कादिर है। ए मेरे अल्लाह हम गुनहगार बंदे हैं हमें माफी अता फरमा। ए मेरे परवरदिगार हमें माफी अता फरमा। ए मेरे अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा और जो मांगने से रह गया वो भी अता अनायत फरमा। हमारी दुआ अपने रहम से अपने करम से कबूल फरमा। ए मेरे अल्लाह जिसने ये दुआ भेजी सुनी फॉरवर्ड की या आगे बढ़ाकर उसकी सारी परेशानियों तकलीफों और बीमारियों को दूर फरमा। सेहत तंदुरुस्ती अता कर। ए मेरे रब्बुल इज्जत ए मेरे प्यारे अल्लाह हम तुम्हारे गुनहगार बंदे हैं अपने बंदों पे रहम अता फरमा। ए मेरे परवरदिगार अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके पूरी दुनिया में जितने लोग वफात पा चुके हैं उनकी मगफरत फरमा। उन्हें कब्र के अजाब से बचा। जो बीमार हैं या परेशान हैं तो उनको अपने करम से माफ फरमा और उनकी बीमारी और परेशानियों को दूर फरमा। ए मेरे परवरदिगार हम गुनहगार बंदे हैं। ए मेरे परवरदिगार हम गुनहगार बंदे हैं। हमारे कांधों पे वो बोझ ना उठाकर जिनको उठाने की हमारी औकात नहीं जिनको उठाने की हमारी हैसियत नहीं। ए मेरे परवरदिगार हम गुनहगार बंदे हैं हम पे रहम अता फरमा। ए मेरे प्यारे अल्लाह अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तमाम गुनाहों को माफ फरमा और हमें कामयाबी अता फरमा और उसका नसीब खोल दे। आमीन सुमामीन। अपने लिए मेरे प्यारे भाइयों दुआ करवानी चाहिए करवाया करें। न जाने किसकी जुबान से आपकी तकदीर खोल जाए। न जाने किसकी आमीन बोलने से आपकी तकदीर खुल जाए। न जाने किसकी सुम आमीन बोलने से आपके गुनाहों को माफ किया जाए। ये मेरे प्यारे भाइयों थैंक यू सो मच आपने इस दुआ में हमारा साथ दिया। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज।